نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم तारीफ तेरे ही लिये है कि तूने हमें ईमान की नेमत अता की तारीफ और शुक्र तेरे लिए कि तूने हमें इस्लाम की नेमत अता की तेरा शुक्र तूने हमें कुरान की नेमत अता की तेरा शुक्र कि तूने हमें अहलोयाल मालो दौलत और सेहत व आफियत से नवाजा और तूने हमें बेहतरीन तरीके की आफियत और अमन अता किया यार अब तारीफ तेरे ही लिए है बहुत ज्यादा तारीफ बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी हर उस नमत पर जो तूने हमें अता की वो नियमत जो तूने हमें कभी पहले दी या हाल ही में अता की या कभी छुपा कर दी या सबके सामने अता की या खास तौर पर हमें अता की या और सब के साथ मिलाकर हमें अता की या रब तारीफ तेरे ही लिए है कि तूने ये जिंदगी दी हमारी जिंदगी और हमारी मौत तेरे ही हाथ में है हमारी सारी कुतें तेरे ही तरफ से हैं, हमें पलट कर भी तेरे ही तरफ जाना है और हम पर सबसे बढ़कर हक भी तेरा ही है तेरे ही नाम पर हम यहाँ जमा हुए हैं हमारी नीयतों को सिर्फ अपने लिए खालि कर ले और हमें वो करने की तोफीक दे जिसमें हमारी दीन और दुनिया और आखरत की भलाई हो अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस से हमारी इस मुलाकात से हमें और उम्मत मुसलिमा को और हमारे दीन को और उसके साथ हमारी आखरत को बेहतरीन तरीके से अपनी रहमत से ढांप ले और हमें इससे बेहतरीन खैर नसीब फरमाए मुझे आप सब से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई है आप सबको इतने डिसिप्लिन में बैठा हुआ देखकर और कुरान के इल्म हासिल करने के शौक की वजह से अपने सब घर बार और सब काम काज छोड़ यहां पर आकर बैठना ये यकीनन बहुत हिम्मत के कामों में से है अल्लाह ताला इस पर आपको बेहतरीन जजाय खैर अता फरमाए और जो लोग ये काम कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं उनको भी जजाय खैर अता करे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन लोग हैं जिनका कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है क्योंकि इस पहली मुलाकात में तारुफ का होना बेहद जरूरी है हमारे दीन की एक सुन्नत है एक तरीका है कि जब दो मुसलमान बाहर मिले तो वो आपस में एक दूसरे को अपना तारुफ कराएं तो किल्लों का कोर्स मुकम्मल हो चुका है सिर्फ हाथ खड़े कर लें ठीक है और बच्चिया कौन सी हैं जो इंग्लिश के कोर्स में है ठीक है आप लोगों का कौन सा पारा है अभी सिक्स पारा ओके और बाकी लोग एज ए लिस्नर आते हैं आप देखिए कि आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं कुल कुलहलम आप कह दीजिए कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं तो हम सब जानते हैं कि बराबर नहीं हो सकते तो आप क्या समझते हैं कि किस लिहाज से बराबर नहीं होते किस चीज का फर्क आता है इल्म के होने या ना होने से तो मेरी जो गुफ्तगु है एक तरफा नहीं होगी आपके साथ ही होगी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप ऐसे ही समझिए कि जैसे आप आपस में किसी से भी बात कर रहे हैं मैं आप ही में से एक हूं ठीक है लिहाजा फील फ्री और जो भी आपके जज्बात हैं जो भी आपके दिल में बात है वो आप कीजिए ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अल्लाह सुबहान ताला जो ये फरमाते हैं कि इल्म वाले और बगैर इल्म के लोग बराबर नहीं होते तो क्यों नहीं होते अगर उनमें फर्क होता है तो किस बात का फर्क होता है और आपने जो कुरान पाक पढ़ लिया या जो लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं वो अपने अंदर इस पढ़ने से पहले और अब बाद में क्या फर्क पाते हैं यानी पहली बात तो यह है कि इल्म वाले इल्म के लिए कुर्बानी करते हैं क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है ना हर चीज़ कुर्बानी मांगती है तो इल्म भी कुर्बानी मांगता है तो वो उसके लिए कुर्बानी करते हैं कुछ और अपना नुकसान करके इस दौलत को हासिल करते हैं यानी कुछ और दौलत कुर्बान करके चाहे वो वक्त की है या माल की या वट एवर और उसके बदले में ये दौलत हासिल करते हैं और दूसरा ये कि इल्म के बाद अमल करते हैं कोई और फर्क आप बताएंगे कोई और आप में से बोले हाँ, और क्या फर्क होता है जी हाँ जब अल्लाह ताला के बारे में इंसान जानता है तो अल्लाह ताला की खशियत पैदा होती है जैसे कि कुरने पाक में भी आता है इन नमा यकिन इबाद के अल्लाह से डरते हैं उसके इल्म वाले बंदे ही जानने वाले बंदे ही अल्लाह की खशियत इख्तियार करते हैं और इसी तरह अल्लाह तला से मोहब्बत भी अल्लाह ताला को पहचान कर होती जिस तरह किसी भी चीज से मोहब्बत आप जाने बगैर तो नहीं कर सकते कि मसला मसलन आप ये कहें मुझे एक चीज से मोहब्बत है लेकिन मैं जानती नहीं उसको कुछ तो आपका यह जुमला कैसे होगा कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा तो अल्लाह ताला से मोहब्बत भी इल्म के बगैर नहीं हो सकती जो कि हमारे ईमान का एक हिस्सा है ये कहते हैं कि ईमान बढ़ता है दुरुस्त ईमान में मजबूती आती है गोया दूसरे लफ्जों में इल्म अमल के रास्ते आसान करता है जैसे हदीस में आता है मनसला का तरीकन यलतम सफ़ी ही सह अल्लाह लहू तरीकन जन्ना कि जो शख्स इल्म की तलाश में घर से निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं तो जन्नत का रास्ता वैसे तो बहुत दुशवार गुजार रस्ता बहुत मुश्किल रस्ता है आमतौर पर शैतान हमारे दिल में क्या खौफ डालता है कि तुम पढ़ोगे तो जिंदगी बड़ी दूबर हो जाएगी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी हालांकि ऐसा नहीं होता बल्कि उसके बरक्स इल्म हासिल करने से अमल करना आसान हो जाता है इल्म अमल को दावत देता है इल्म अमल के लिए एक बुनियाद फराहम करता है ये ऐसा ही है जैसे आप जब बीमार होते हैं तो आपको छोटा सा काम भी कैसे लगता है पहाड़ लगता है ना जब आप जिसमानी तौर पर कमजोर होते हैं बीमार होते हैं मसलन तो आपको बुखार हो गया तब आपसे कोई कहे पानी पी लो तो आप क्या करते हैं अपना हाथ उठाना भी मुश्किल लगता है कोई कहता, पानी पी लो आप कहते हैं अच्छा हूँ, दवा खा लो अच्छा फिर उधर मुंह कर लिया फिर उधर मुंह कर लिया वो एक ऐसी सुस्ती और एक ऐसी कमजोरी होती की कुछ भी नहीं किया जाता और अगर उस वक्त आपसे कोई कहे उठो पहाड़ तोड़ो तो आपका क्या हाल होगा कुछ भी नहीं कर सकते आप अपना हाथ नहीं उठा सकते आप पहाड़ कहां से तोड़ेंगे बिल्कुल इसी तरह जब इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है रूहानी तौर पर कमजोर होता है दिल में ईमान की कमी होती है तो छोटे से छोटी नेकी भी पहाड़ लगती है बहुत मुश्किल लगती अम्मा इधर से कहती है बच्चे नमाज पढ़ लो बच्चा उधर से टाल मटोल करके उधर निकल जाता है उधर से कहते हैं ये काम कर लो वो उधर से उधर छुपने लगता है अच्छा करती हूँ अच्छा करती हूँ अच्छा करती हूँ तो याद रखिए ये बच्चों की बात नहीं हमारी अपनी बात भी है जब भी नेकी और खैर और भलाई के किसी काम में हम टाल मटोल करते हैं सुस्ती करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारे ईमान में कमजोरी होती है जब ईमान मजबूत होता है तो फिर इंसान चैन से नहीं बैठ सकता फिर इंसान मुश्किल से मुश्किल काम बड़े से बड़े काम उसके लिए आसान होते हैं खुशगवार होते हैं वही चीज जो दूसरों को बहुत मुश्किल लग रही होती है वो एक मजबूत ईमान वाले को और मजबूत ईमान के लिए जैसे कि पहले आपने फरमाया कि इल्म से ईमान में मजबूती आती है उस मजबूत ईमान से अमल बहुत आसान हो जाता है और खुशी से इंसान मुश्किल काम करता है ये एक ऐसी कुत है अंदर कि जिसको आप देख नहीं सकते पकड़ नहीं सकते एनालाइज नहीं कर सकते लेकिन दैट इज देयर वो है वहां और वो आपको आगे बढ़ा रही है वो एक अनसीन एनर्जी होती है ऐसा क्यों था कि एक साहबी खड़े है मैदानी जंग में खजूर खा रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि शहादत से जन्नत मिलेगी तो वो खजूर भी खाना छोड़ देते खुजूर फेंकते हैं और जाके लड़ना शुरू कर करते अच्छा अगर आपने आप को देखिए अगर हमें भूख लगी और कोई कहे आओ ये काम करो छोटा सा काम भी तो हम क्या कहते हैं पहले कुछ खा लू फिर बात सुनती हूँ तुम्हारी अभी नहीं हा? नहीं करते लेकिन क्या वजह है उनके पास और तो बड़े बड़े खाने नहीं थे खाने को तो खजूर खा के ही जंगे लड़ा करते थे तो शदीद भूख का आलम है खजूर खा रहे हैं एक तरफ पेट की पुकार है और दूसरी तरफ अल्लाह की पुकार है और अल्लाह की पुकार पर वो भूख के आलम में भी इस तरह लपकते हैं कि जैसे कोई बात ही ना हो और हमारा हाल क्या होता है जरा सी भूख लगे तो सब काम मअल अब और कुछ नहीं हो सकता ये फर्क किस लिए किस चीज का फर्क ईमान का फर्क ईमान का फर्क क्यों इल्म का फर्क इल्म वाले और ला इलम लोग बराबर नहीं हुआ करते जरूर अमल में फर्क पड़ता है और अगर अमल में फर्क नहीं पड़ा तो समझिए कि फिर इल्म हासिल नहीं किया वो इल्म, इल्म नहीं वो इल्म बोझ है। आपको मालूम है कि यहूद नसारा के उलमा, रसूल सल्हुसलम के जमाने में भी किस कदर पढ़े लिखे लोग थे कितना पढ़ते थे कुरान पाक में उनको अहले किताब कहा गया पीपल ऑफ द बुक किताब वाले अब आप देखिए कोई मशहूर हो जाए कराची में जो लोग जो खास कारोबार करते हैं तो उनका नाम उसी के साथ मसलन कपड़े वाला रंग वाला फुला वाला फुला वाला मुख्तलिफ चीजों के नामों से वालाज मशहूर हो जाते हैं तो इसी तरह ये यहूद नसारा किस मशहूर हो गए थे किताब वाला इतना ज्यादा उनका इल्म के साथ ताल्लुक था उनके उलमा का लेकिन इसके बावजूद उनका हाल क्या था अंदर से रूह नहीं थी वो ईमान नहीं था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक नई कौम को उठाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उनमें नहीं भेजा आप तो चूंकि कुरान पढ़े हो ना इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी गुफ्तू भी उस रेफरेंस से करूंगी जिसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी वो आप खुद ही समझ जाएंगी उनमें नहीं भेजा उनको बहुत इस बात पे हसद भी था और गुस्सा भी था और बहुत वो इस पर नाराज थे कि आखिरी पैगम्बर हम में से क्यों नहीं आया अल्लाह तला ने एक और कौम में से उठा दिया पैगम्बर क्यों इसलिए कि अब उनके अंदर सलाहियत नहीं रही थी उस अमानत को उठाने की ना वो जान थी ना वो ईमान था न वो किरदार था हालांकि इल्म बहुत था तो ऐसा भी होता है कि बाजुकात इल्म बहुत होता है लेकिन साथ ईमान नहीं होता किरदार नहीं होता इसको कुरान पाक में एक और आयत में यूं वाज किया गया है लम नूह हिमारी वो लोग जिन्हें तौरात उठवाई गई फिर उन्होंने उसको उठाया नहीं उठवाई गई वैसे तो उनके बैग भरे हुए थे मसलीन हम मिलो तौरा तुम मलम यह मिलूहा कमस हिमार उनकी मिसाल गधे की सी है यह मिलु असवारा जो ढेर बोझ उठाता है किताबों का बोझ उस पर लदा हुआ हो तो उठा के चलता रहे तो ऐसे ही बहुत से अहल इल्म बहुत सी डिग्रियां रखते हैं बहुत सी किताबें पढ़े हुए होते हैं लेकिन न उनके अखलाक में तब्दीली आती है ना उनके ईमान में कोई तब्दीली आती है ना उनके किरदार में कोई झलक नजर आती है उस चीज की आज हमें जिस चीज की जरूरत है इम वाले और ला इम लोग आप यूं समझिए दो लफ्ज यूं बोल लेते हैं अहल इल्म और ला इम इम वाले और ला इम इनमें जो फर्क असल में आना चाहिए और जो ऊंच नीच होनी चाहिए वो अमल और किरदार की होनी चाहिए आप जब कुरान पाक पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो असल कुरान का पढ़ना आपके कागजों का पढ़ना नहीं है आपने कागजों और किताबों को तो बहुत पढ़ा दिया कैसे भला लिख लिख के भर डाली कापियां रजिस्टर एक एक लफ्ज तफसीर लिख लिया आपने वो आपने नहीं पढ़ा वो किसने पढ़ा आपकी किताबों ने पढ़ा आपकी कापियों ने पढ़ा आपने बस वही पढ़ा है जो आपके अमल में आ आगे और अगर अमल में नहीं आया तो वो आपने नहीं पढ़ा हुआ वहां उसका आपको कोई फायदा नहीं है वो आपके इससे भी नहीं लिखा जाएगा वो तो जिस जिसपे आपने लिख दिया बस उधर ही गायब उसी पे बंद वो ही रद्दी बन जाएगा खत्म हो जाएगा आपके साथ कब्र में क्या जाएगा ये सब किताबें जाएंगी नहीं जो आपके सीने के अंदर है और जरूरी नहीं कि हिफ्स किया वह सब कुछ सीने के अंदर से मुरादी कि जो आपके अमल में आ गया रच बस गया जो आपके किरदार का हिस्सा बन गया जैसे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या कहा जाता है काना खुल कुरआन आपका अखलाक क्या था कुरान आप चलता फिरता कुरान थे तो हमें भी क्या बनना है चलता फिरता कुरान बनना है कि लोग वाकई दूर से देख के पहचाने कि हाँ ये कुरान पढ़े लिखे लोग हैं और वो सिर्फ हमारे हिजाब से या स्काफ से उससे नहीं हमारे अखलाक से पहचानेंगे हमारे मामलात से हमारे जाहिर और बातिन में फर्क नहीं होना चाहिए हमारे कौल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए कुरान पाक में सुबहान तला फरमाते हैं या यूह ना लिमा तक माला तफालू ले तकूलू ना ए लोगो जो ईमान लाए हो क्यों कहते हो वो बात जो करते नहीं हो जो करना नहीं उसके दावे क्यों हैं बड़ी बड़ी बातें क्यों खैरा मकता ही अंतकुल माला तफालू अल्लाह के नजदीक बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि तुम वो कहो जो करना नहीं चाहते या करते ही नहीं हो तो ये वो पहलू है जिनकी तरफ हम सबको मुझे भी ये जो बातें मैं आपको करती हूं ना ये पहले अपने आप को सुनाती हूं हम सबको इन बातों की याद दहानी की जरूरत है और हमारे अमल में जो फर्क आना चाहिए वो कुरान की झलक हमारे अंदर और हर चीज में उठते बैठते चलते फिरते हमारे अंदाज में और मिसाल के तौर पर हम दिन भर में क्या काम करते हैं मसलन आप में से हर शख्स अपनी अपनी रूटीन देख सकता है सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या करना होता है उस सारे सुबह से शाम तक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है और फिर अपना चेक करना चाहिए खुद को कि मैं सही क्या कर रही और इसमें से गलत क्या कर रही हूं मेरी जबान का इस्तेमाल कैसे होता है मेरा लेन देन कैसे होता है मेरा मामला कैसे होता है ये सारी चीजों पर नजर नमाज से लेकर अपनी सारी रूटीन के ऊपर खुद चेक रखना मसलन आप कि जिंदगी में हमारा बहुत से इंसानों से वास्ता पड़ता है ना मसलन आप लोग इकट्ठे यहां बैठते हैं आप जो कलीग्स हैं स्टूडेंट्स आपस में उनका आपस में भी मामला होता है आपका अपने उस्तादों के साथ भी मामला होता है आपका अपने हमसायों के साथ होता है अपने पेरेंट्स के साथ होता है वाल वाल जिनका अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक हां? और उस्ताद जो रूहानी वाल और फिर उसके बाद किसी शॉप पे आप जाते हैं को मुस्लिम है को नॉन मुस्लिम है किसी इंसान से भी जवाब मिलते हैं क्या मामला होता है आपका यानी गोया हमारा कुरान कहाँ झलकेगा हमारे मामलात में ठीक है ना यहां फर्क आएगा खुलहविल्लमून लजीन अलामून का फर्क कहां आएगा मामले में आएगा जैसे कि एक रिवायत है ना कि अदीन अलमआमलामला पाक में आता है, है? खैर खाही, खा अच्छा, खाही क्या होती है दूसरों के लिए दूसरों के लिए खैर खाही क्या होती है रसुल्ला ने फरमाया खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स मुमिन नहीं हो सकता लादुकम ब्बल अखीही मा युहिब नफसीही कोई शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए करता अब आप देख लीजिए जब आप यहां आते हैं आप जल्दी से अपने लिए अच्छी सी सीट रखना चाहते हैं आप जल्दी से अपने लिए अच्छी सी किताब चुनना चाहते हैं हर चीज अपने लिए सबसे अच्छी रखना चाहते हैं हो गया ना इम्तिहान में फेल साहबा कराम का तरीका क्या था क्लास रूम में तो छोड़िए मैदान जंग में वो क्या करते थे याद है ज्यादा जंगे अमामाती जंगे मोता जिसमें तीन सहाबी इस तरह शहीद हुए थे कि एक ने प्यास के लिए पुकारा पानी को पानी लाने वाला लाया तो इतने में दूसरे ने मांग लिया और कहा नहीं पहले उसको पिलाओ खुद तड़प रहे मरने लगे आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्यास की शिद्दत कब होती है मौत के वक्त आम हालात नहीं थे उसे कहते नहीं दूसरे को पिलाओ तुम पहले अभी वो उधर पहुंचते तो तीसरे ने बुला का नहीं वो तीसरे को पिलाओ और इतने में वो तीसरे तक पहुंचते वो तीसरा दम तोड़ बैठा पहले पे पहुंचे वो शहीद हो चुके दूसरे तीनों तीनों के ये तीनो, ये है ये है ईसार दूसरे के लिए वो पसंद करना जो अपने लिए कर रहे हैं परखी अपने आप को करते हैं हम ऐसे किसी बड़े का एहतराम छोटे पे शफकत मामलात फिर इसी तरह एक और मौके पर जब एक मेहमान आते हैं एक सहाबी के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते थे मेहमान तो उस जमाने में कोई मेहमान खाना तो नहीं था आप पहले अपने घर में पता करवाते कोई चीज है तो खुद खिलाते पिलाते अगर घर में नहीं होती थी तो फिर साहबे कराम से कहते कि जो भी इस मेहमान को आज अपना मेहमान बनाना चाहे बना ले तो जो भी सामने होता वो ऑफर कर देता कि मैं ले जाता हूं अपने घर तो इसी तरह एक अंसारी के घर एक मेहमान आए और घर में सिर्फ इतना खाना था कि या तो खुद खाते या खिलाते उन्होंने तो मेहमान को एहसास तक नहीं होने दिया कि हम भूखे हैं हमारे पास नहीं है एहसान जताना तो दूर की बात एहसास भी नहीं होने दिया चिराग बुझा दिया और इस तरह शो किया जैसे खुद भी खा रहे हैं और खाना मेहमान को खिला दिया यह है ईमान कि दूसरे के लिए वो पसंद करना जो अपने लिए करते हैं अच्छा हमारा हाल क्या आता है कि अगर कोई हमारे रिश्तेदार हमारे घर आ गए हैं या कोई मेहमान आ गया तो अच्छी चीजें छुपा देते हैं कि ये इनके लिए नहीं है हम क्या कर रहे हैं हम क्या करते हैं ना हमने कोई चीज अपने लिए खरीदनी हो तो और तरह देखते हैं जब किसी को देनी हो किसी को देने के लिए खरीदते हैं तो क्या करते हैं सोचिए ना जरा ये मामला होते हैं यही मामला है हम दिखावे के लिए तो बड़ी सी चीज ले लेंगे लेकिन उसके अंदर वाकई किसी की कितनी खैर खाही है किसी के क्या काम है खैर तो यह ना कि उसके कोई चीज काम आए ना कि सिर्फ अपनी शो बनाई कि हाँ हमारा नाम इतना बड़ा हो जाए अब लेन देन में भी मामला लेन देन ही का नाम है ना तो ही मा ही। और इसको हर रोज अपने आप को चेक करने की जरूरत होती है हर रोज हर रोज बहुत जल्दी भूलते हैं हम छोटे छोटे मामला और अगर हम दूसरों की जगह खुद को रख लें बहुत सी बातें बहुत जल्दी समझ में आने लगे हम दूसरों की जगह अपने आप को नहीं रखते इससे फिर मुश्किल होती तो दिनों दीन खैर खाही का नाम है अच्छा ये सिर्फ चीजों के लेन देन में नहीं मसलन किताब मिल रही तो हमारी नजरों ही अल्लाह वो किताब मुझे मिले ये इसका तो सफा पटा हुआ ये मैंने नहीं लेनी है कोई और ले जाए हुँ? ये सिर्फ इसमें नहीं बल्कि मशवरों में भी कोई आपसे मशवरा मांगता है तो मुझे क्या करना चाहिए कोई शादी है कोई कारोबार है वट एवर कैसा मशवरा हम उसको देते जिसमें वो फंसे या वाकई उसका भला हो, हम हर वक्त एक इम्तिहान में होते हैं हमारा दीन छोटी छोटी, छोटी चीजों में परखा जाता है हा? और जैसे अभी मैंने वालिदेन की बात की तो मुझे बासुकात ऐसा लगता है कि आज के दौर में वालदेन सबसे ज्यादा मजलूम चीज है मजलूम शायद किसी को हम इतना नहीं सताते जितना अपने माँ बाप को सताते हर परेशानी तो उनको सुनाएंगे ठीक है सुनानी चाहिए वो हमारे खैर खां हैं हमें सही मशवरा देंगे लेकिन जब उनकी कोई बात मानने का वक्त हो उनके अदब का उनके इज्जत एहतराम का फिर हमारा मामला क्या होता है क्या जिस बात से वो हमें रोके हम रुक जाते हैं क्या जिस काम के करने को कहें हम करते हैं इसी तरह उस्ताद का मामला आप देखिए अब देखिए कि वालदे और उस्ताद से बढ़कर हमारा कोई खैर खां हो सकता है नहीं हो सकता और जितनी कुर्बानियां वो हमारे लिए करते हैं उतना कोई भी नहीं करता लेकिन हमारा मामला उनके साथ क्या होता है ये हमारा टेस्ट होता है रोज टेस्ट सिर्फ किसी कागज पे लिखने का नाम नहीं वो कागज वाला तो कागज के लिए है उस पे तो हमारे आखरत के नंबर नहीं लग रहे अगर यहां हंड्रेड परसेंट भी हम ले रहे हैं तो वो आखरत में हंड्रेड परसेंट नहीं होंगे अगर जो कुछ उसमें लिखा हुआ वो हमारी जिंदगी में नहीं हमारा टेस्ट तो हमारा मामला है डेली टेस्ट है फिर इसी तरह जो शादी शुदा खातिन है शोहर के साथ मामला रिश्तेदारों के साथ मामला अब देखिए कि हमारे माशरे में बसावकात को तो हम फिर भी रिकार्ड दे देते हैं, लेकिन शोहर को इज्जत नहीं देते और खसूस मगरबी माषरे में दूसरों की देखा देखी हम उसको अपने बराबर भी समझ लें तो बड़ी बात है नीचे ही रखना चाहते है अपने से इस रवैये ने भी बाजात बहुत से मामला को खराब किया हालांकि अल्लाह तला ने जो एक औरत के ऊपर फ़राय आए किए हैं शौहर की, की, है, की इज्जत तो भी शामिल है उसमें। हम सब मुख्तलिफ मौकों पर इंटरेक्ट करते हैं ना मुख्तलिफ लोगों के साथ मसला आप में से कोई जॉब करता होगा आप में से कोई हो सकता बिजनेस करता हो तो बिजनेस करते हुए जॉब के औकात में आपकी अपने औकात के साथ अपने काम के साथ कितनी खैर खाई होती है आप उसमें कितने सिंसियर होते हैं ये तो नहीं कि आप वहां टाइम पूरा करने को गए हुए हैं और अपने जाति कामों में मसरूफ हैं। एम्प्लॉयर के साथ कितने कितने सिंसियर हैं? हैं? अपने बिजनेस में ऑनेस्ट हर चीज में अदीनो दीनों नसीहा हर चीज में खैर खाई इसी से एक पुरमन माशरा कायम होता है मोमिन लेने वाला नहीं देने वाला होता है वो हदीस में आता ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है तो ऊपर वाला हाथ कौन सा होता है देने वाला लेकिन हम हर वक्त हुकूक मांग रहे होते ज्यादा लेने वाले बनते हैं देने वाले नहीं बनते हुँ? एक हदीस आपको सुनाती हूँ अन मदास नबी वसल्मा

जौ के भूसे यानी छिलके या खजूर के कचरे की तरह के लोग दुनिया में रह जाएंगे जिनकी अल्लाह ताला को जरा भी परवाह नहीं होगी यानी हस कफ बारले सीड्स होता है ना बारले सीड्स के ऊपर जो हसमिंग डेट्स आप डेट्स लाते हैं एक बास्केट लाइट डेट्स की उसमें जो अच्छी अच्छी पसंदीदा खा ली और बाकी जो नीचे का होता है वो आप बाज कचरे में ही डाल देते हैं कि खाने की नहीं तो दुनिया से अच्छे लोग चले जाएंगे और बाकी कौन बच जाएंगे जिनके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं होगा कोई किरदार नहीं होगा वो इतने हल्के होंगे जैसे जौ का छिलका होता है ना तो जो हस्क होता है उसको क्या है आप फूक में मारे तो उड़ जाए कोई तो वजन ही नहीं किसी इंसान का वजन उसके किलोग्राम में नहीं नापा जाएगा ईमान का वजन उसकी वैल्यू और कदर कीमत के ऊपर है जो अल्लाह की निगाह में किसी के लिए और इसी तरह कचरे का ढेर यानी कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं किसी के लिए उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी आज आप देखिए मुसलमानों का हाल यही नहीं हो गया दुनिया के किसी फोरम पर हमारी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं और इसी तरह हमारा कोई किरदार नहीं कि जिससे दूसरे लोग मुतासर आज आप देखे लोग वेस्ट से मुतासर होते हैं मरूब होते हैं इसीलिए तो अपना दीन ईमान हर चीज छोड़ के उन जैसे बनने की फिक्र करते हैं मरूब है तो तभी बनते हैं ना इसकी बुनियादी वजह यह कि हमारे अंदर किरदार नहीं रहा अच्छा इसका आप एक और तरह देखिए कि किरदार क्यों नहीं हम पढ़ भी जाते हैं दिन फिर भी किरदार क्यों नहीं बनता आप बताएंगे कोई आप ऐसे बताना चाहे मेरा ख्याल है मैंने काफी लंबा खुद बोल लिया आपको बोलना जरूरी है ताकि इंटरेस्ट बाकी रहे दिल में नहीं उतरता बहुत अच्छी बात की इन्होंने बहुत बड़ी रुकावट है इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से वाजे करूंगी इनकी बात को आप देखिए एक शख्स आंखें रखता है ना और वो फूल को देखता है कोई भी खूबसूरत फूल खूबसूरत फूल को देखकर उसके दिल में कुछ होता है कभी फूल को देखकर आपके दिल में कुछ हुआ या कभी देखा ही नहीं फूल को गौर से हम्म होता है? क्या होता है चलो पहले ये बताइए हाँ और और क्या आता है उसको देख के खुशी होती है वह तरोताजगी का एहसास होता है आपकी फीलिंग लाजमन बदलती है ना वो जो इन्होंने कहा ना दिल में नहीं उतरता फूल को देख के कुछ दिल में उतरती है चीज अच्छे से फूल को देखकर दिल में कुछ उतरता हुआ लगता है ना एक आंखों से लेकर दिल तक और एक सोच हर चीज में एक खास किस्म की तब्दीली आती अब बहुत थके हुए होते हैं अब एक अच्छी सी चीज को देखते हैं चलिए फूल को छोड़िए कोई भी जो भी आपकी पसंदीदा चीज हो अब बहुत थके हुए जैसे माँ के लिए बच्चा बहुत प्यारी चीज होता है ना आप थके हुए आए अपने बच्चे को देखते तो वो रिलैक्स होते हैं आपको मिजाज तब्दील होता है ठीक है ना मिजाज में फर्क पड़ता है अच्छा अब आप देखिए एक नाबीना शख्स है एक ब्लाइंड शख्स है जो देख नहीं सकता जिसे फूल देखा नहीं ये कोई प्यारी चीज देखी नहीं आप उसको सौ लफ्जों में बताएं